नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी एक बहुत ही दिलचस्प और प्यारी कहानी जिसका नाम है अक्कू हुई गुस्सा, जिसके लेखक और चित्रांकन का नाम है विनायक वर्मा, अनुवाद मधु जोशी, प्रकाशन प्रथम बुक्स। तो शुरू करते हैं। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी, सारे बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वह बहुत गुस्से में थी। जब सूरजमुखी के खेतों में से उनकी साइकिल गुजरी तो अप्पा ने कहा, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। यह बहुत ही पीले हैं, इनसे मेरी आंखें चुंदिया रही हैं, अक्कू बड़बड़ाई। अक्कू देखो देखो जरा बंदरों को तो देखो, अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। छी बदमाश बंदर, अक्कू भुनभुनाई। हुर भाग जाओ यहां से, भागो हुर। लो थोड़ी सी छाछ पी लो, अप्पा बोले, इससे तुम्हें ठंडक मिलेगी। अक्कू ने मुंह बिदकाया, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। अरे एक घूट पीकर तो देख लो। ठीक है बस एक ही घूट, अक्कू बोली और उसने एक घूट छाछ पी। छाछ बिल्कुल बुरी नहीं थी। उसने एक घूट और पिया, फिर एक घूट और, फिर एक और छाछ की ग्लास खाली हो गई। वड़ा खाओगी, अप्पा ने पूछा। ओफो अक्कू खींची, बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा वड़ा खा लिया। अरे यह तो बहुत ही अच्छा है, उसने थोड़ा और खाया, एक नन्हा सा गस्सा और बस प्लेट खाली। शाबाश अच्छी बच्ची, अप्पा ने खुश होकर कहा। अब मुझे ये बताओ कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो। नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से नाराज हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। क्या आज स्कूल में कुछ बुरा हुआ? पता नहीं, शायद। ओहो तुम्हारे साथ जो हुआ, क्या तुम उसके चित्र बनाना चाहोगी, अप्पा ने पूछा। ये रहे कुछ बढ़िया कागज और रंग। ठीक है, अक्कू ने कहा। अक्कू ने एक ईंट बनाया। यह वह बेकार सी ईंट है, मैं सुबह इसी से टकरा गई थी, अक्कू ने कहा। इस बेकार सी ईंट से सुबह मुझे ठोकर लगी थी, अक्कू ने कहा। ठीक कहा तुमने, यह तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने एक लड़के का चित्र बनाया। यह बिक्कू है, बहुत बुरा लड़का है, जब मैं गिरी तब ये मुझ पर हंसा था, अक्कू ने कहा। अरे बहुत बुरा लड़का है ये, अप्पा बोले। कोई गिर जाए तो उन पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर अक्कू ने एक इडली की तस्वीर बनाई। यह मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं उस बेकार से ईंट से ठोकर खाकर गिर गई तो मेरे लंच बॉक्स से ये गिर गई। फिर अक्कू ने एक कौवा बनाया। यह बड़ा बदमाश कौवा है, मेरी इडली लेकर उड़ गया, बेचारा बहुत भूखा रहा होगा, अप्पा बोले। और अक्कू ने अपनी टीचर की तस्वीर बनाई। यह मेरी टीचर है अमला मिस, अक्कू ने कहा। जब मैं गिरी तो उन्होंने उठने में मेरी मदद की और फिर उन्होंने मुझे गले लगाया। यह तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो गाल पर चुटकी काटने से तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन अब ठीक हो। चलो अच्छा है, अप्पा बोले। पेज 15। देखो तो सही तुमने कितना बढ़िया चित्र बनाया है, अप्पा ने कहा। तुम वास्तव में कलाकार हो, क्या तुम अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बनाओगी? ठीक है, अक्कू बोली और उसने एक और चित्र बनाया। यह एक छोटा सा सफेद चूहा है। और एक और चित्र बनाया, यह एक नाव है। उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बनाए। यह एक नारियल का पेड़ है और यह सूरजमुखी का फूल और यह आपकी साइकिल और यह रहा मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार से ईंट को भूल गई
जिससे टकराकर वह गिर गई थी और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंसा था और इडली चुराने वाले उस बदतमीज कौवे को भी। और तो और अक्कू यह भी भूल गई कि वह गुस्सा थी।